अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 टिप्स एंड ट्रिक का लेक्चर नंबर 8 है, और इसके अंदर मैं आपको ऑपरेशनल शॉर्टकट्स के बारे में बताऊंगा। अच्छा, ये मेरे पास इस वक्त स्क्रीन के ऊपर एक शीट ओपन है वर्किंग सिक्स के नाम से। सारी की सारी प्रैक्टिस मैं आपको इसी के ऊपर कराऊंगा। ऑपरेशनल शॉर्टकट्स हैं लाइक, अब ये सी कॉलम है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। मुझे इससे पहले एक कॉलम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और इंसर्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे ये कॉलम को ऐड कर लूँगा। जब भी आप इस तरीके से कॉलम को ऐड करते हैं, तो वो क्या करता है, आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर कॉलम को ऐड करता है। मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ। इसी तरीके से हम रोज़ को भी इंसर्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक और यहाँ से इंसर्ट। इसको भी मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। ये तो बेसिकली मैंने आपको तरीके बताए हैं कि किस तरीके से आप लोग रोज़ या कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। अब इनके मैं आपको शॉर्टकट्स बताता हूँ। लाइक मैंने कहा, ये मेरे पास कॉलम सी है, मैंने सेलेक्ट किया। इससे पहले मुझे क्या चाहिए, कॉलम चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का निशान। जैसे ही मैंने ये प्रेस किया, तो देखें ये मेरे सामने कॉलम ऐड हो गई। इसी तरीके से अगर आप रो इंसर्ट करना चाहते हैं, रो सेलेक्ट करें कंट्रोल शिफ्ट प्लस। जैसे ही मैंने ये बटन दबाया, तो देखें मेरे पास ये रो जो है वो इंसर्ट हो गई। जब रो इंसर्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक टॉप पे आती है, और जब कॉलम को इंसर्ट करते हैं तो वो आपकी लेफ़्ट साइड के ऊपर आती है। अच्छा, ये तो हो गया ऐड करने का तरीका। अब अगर आपने इसको डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या होगा। ऑलरेडी मेरे पास इस वक्त 9 जो है रो सिलेक्टेड है। मैं कंट्रोल के साथ अगर माइनस का बटन प्रेस करता हूँ, तो वो डिलीट हो गई। इसी तरीके से अगर मैं कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल के साथ माइनस दबाता हूँ, तो वो भी मेरे पास से डिलीट हो जाती है। आप इसको राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, और अपना ये शॉर्टकट के ज़रिए भी कर सकते। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ये बी कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया है, और यहाँ से मैंने ई कॉलम को सेलेक्ट किया है। और अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इसको कह देता हूँ हाइड। तो ये रोज़ क्या हो गए, कॉलम मेरे पास जो हैं वो हाइड हो गए हैं। इनको अनहाइड करने का क्या तरीका है, कि आप इन दोनों के बीच जहाँ कॉलम हाइड है उनको सेलेक्ट करें, और बिटवीन में आके आप इसको डबल क्लिक कर दें। एक तो ये तरीका है, मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। दूसरा ये है कि आपने राइट क्लिक करके यहाँ से कहना है अनहाइड। इस तरीके से आप इसको अनहाइड कर सकते हैं। अब देखें, मल्टीपल जब कॉलम हाइड्स होती हैं, लाइक यहाँ पे देखें बी वाली कॉलम हाइड है और यहाँ पे ई वाली कॉलम हाइड है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो टॉप एज है इसका लेफ़्ट साइड पे, इसको क्लिक करते हैं। देन किसी भी कॉलम पे आके मैं राइट क्लिक करता हूँ और कहता हूँ अनहाइड। तो जितनी भी कॉलम्स या रोज़ हमारे पास हाइड होती हैं, वो सारी की सारी अनहाइड हो जाती हैं। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे किसी कॉलम को इस तरीके से हाइड कर दूं, अब अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको कहता हूँ अनहाइड, तो ये अनहाइड नहीं होगी, क्योंकि ये एक्चुअली हाइड नहीं है, बल्कि इसको मैंने स्मॉल कर दिया, इसका साइज़ को एडजस्ट कर दिया। तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, डबल क्लिक ही वर्क करेगा। आपने डबल क्लिक को करना है कॉलम के ऊपर आके, और वो आपकी रो जो है वो अनहाइड हो जाएगी। अब मैं यहाँ से जाता हूँ अपना शीट 1 के ऊपर। अच्छा, शीट 1 के ऊपर मैंने कुछ डेटा कॉपी किया हुआ है। सम टाइम पे ऐसा होता है कि आपने डेटा जो है किसी अदर सोर्स से कॉपी कर रहे होते हैं, एक्सेल से, वर्ड से, या नेट से आपने कोई डेटा कॉपी किया। तो अब आपने उस डेटा को क्या करना है, एडजस्ट करना है। डेटा को एडजस्ट करने के लिए क्या है, लाइक मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, यहाँ इतना हिस्सा इसका सेलेक्ट किया मैंने, ठीक हो गया। अब मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, कि नीचे की जो कॉलम्स हैं, लाइक ये जो रोज़ हैं 6 7 8 9 या जितना भी टेक्स्ट है, उनको मैं एडजस्ट करना चाह रहा हूँ इसके नीचे ही। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सी से लेके एफ तक को सिलेक्ट किया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाऊँगा फिल के ऊपर और यहाँ से कहूँगा जस्टिफाई, और फिर इसको ओके कर दूंगा। जैसे ही मैंने ओके किया, तो देखें ये टेक्स्ट यहाँ पे एडजस्ट हो गया, और ये कंप्लीट टेक्स्ट मेरे पास आया है, ठीक हो गया। लेकिन अगर यही काम मैं इस नीचे वाली के ऊपर टेक्स्ट के ऊपर करूँगा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हम लोग, ताकि हमें पूरा का पूरा टेक्स्ट नज़र आए। ये टेक्स्ट है हमारे पास यहाँ तक, कंप्यूटर कोर्सेज तक इसकी आखिरी लाइन है।
अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि मैंने इसको एडजस्ट करना है। फिल के ऊपर आया, जस्टिफाई को क्लिक किया, ओके किया, तो देखें उसने ऑपरेटिंग सिस्टम तक मुझे टेक्स्ट दिया है। इस तरीके से जब भी आप किसी टेक्स्ट को एडजस्ट कर रहे होते हैं तो याद रखिएगा, अगर वो 255 करेक्टर से लेस है तो ये ऑप्शन सही वर्क करेगा, अदरवाइज ये ऑप्शन सही वर्क नहीं करेगा। उस पे फिर आपको क्या है कि मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से जाता हूँ एम्प्लॉय वाले टेबल के ऊपर। एम्प्लॉय वाला टेबल मेरे पास इस वक्त सिलेक्टेड है। अब मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ से ऐसे करता हूँ, ये जो एच वाला कॉलम है, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास कुछ डेटा ऐसा है जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं लिखी, मतलब ब्लैंक है, लाइक ये रहा, ठीक है। मैंने ऊपर हेडिंग दिया मेडिकल बेनिफिट, किसी का यस लिखा है, किसी का लिमिटेड लिखा है, और किसी का मैं मिसाल के तौर पे चाह रहा हूँ कि उसका मेडिकल बेनिफिट सिर्फ 30,000 है या 10,000 है, जो वैल्यू यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे बहुत सारे ब्लैंक सेल्स हैं, तो अब मैं क्या करूँगा, इन सारे के सारे सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास सबसे शॉर्ट तरीका है वो क्या होगा, ठीक है। अगर मैं डेटा देखूँ तो मेरे पास ये जो डेटा है 477 इसमें रोज़ हैं, तो क्विकली सारे के सारों को सिलेक्ट करने का ये तरीका है कि मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। लेकिन आप देखें इसमें नीचे वाला कॉलम्स में नीचे वाला भी जो हिस्सा है वो भी सिलेक्ट हो गया, तो अब मुझे तो सिंपल इस डेटा के अंदर जो ब्लैंक सेल थे सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करना था। तो उसके लिए क्या है कि मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ, फाइंड पे गया, मैंने कहा गो टू स्पेशल, और यहाँ से मैं आता हूँ ब्लैंक, और यहाँ से कहता हूँ ओके। तो देखें उसने सिंपल ब्लैंक्स को ही, अगर मैं यहाँ से क्विकली नीचे आऊँ तो जो ब्लैंक डेटा था सिंपल उसी को सिलेक्ट किया है। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30,000 और कंट्रोल के साथ इंटर दबाता हूँ, तो अब देखें सब तमाम के तमाम के अंदर वो डेटा इंटर हो गया। अब कोई भी सेल ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये डेटा मौजूद ना हो। तो इस तरीके से अगर कुछ आपको लिखना पड़ जाए तो इस तरीके से आप लिखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। कंट्रोल जेड करके मैं आपको एक चीज़ मैंने आपको बतानी है, उसके लिए मैंने इसको कंट्रोल जेड किया है। एक फार्मूला है जो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, सही है। फार्मूला असल में दो फार्मूले, उनको कंबाइन करके अप्लाई कर रहा हूँ मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेडिकल जिसका मेडिकल बेनिफिट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसकी सैलरी के अंदर ऑटोमेटिक 30,000 ऐड हो जाए, तो वो मैं किस तरीके से करूँगा। उसके लिए मैंने कहा इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, फिर एक फंक्शन होता है इज़ ब्लैंक, ये चेक करता है बेसिकली कि कौन ये वैल्यू ब्लैंक है कि नहीं है। तो उसके लिए मैंने यहाँ से कहा ये वाले सेल को चेक करो, फिर मैंने ये ब्रैकेट बंद करके कॉमा कह दिया, सही है। अब पूछ रहा है कि अगर ये कंडीशन सही हो जाए तो क्या हो, तो मैंने कहा कि ये वाली वैल्यू, अब इस वैल्यू को मैं लॉक कर देता हूँ F4 प्रेस करके, ठीक है। जैसे ही मैंने F4 प्रेस किया तो ये वैल्यू लॉक हो गई। फिर मैंने कहा कि उसके अंदर प्लस कर दे ये वैल्यू, ठीक है, अदरवाइज़ मैंने कहा कॉमा, अदरवाइज़ यही वैल्यू होनी चाहिए, और ब्रैकेट क्लोज करके मैंने यहाँ से एंटर कर दिया। अब देखें अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे तक ड्रैग करता हूँ, यहाँ तक ये देख लेते हैं ये वाली वैल्यू उसके अंदर, तो देखें ये ऑटोमेटिक इसने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया। तो इस तरीके से भी हम इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब देखें ज़रा मैं यहाँ पे आता हूँ और आपको एक फंक्शन बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने ब्लैंक्स को गिनना है कि कितने ब्लैंक्स हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पे काउंट ब्लैंक, और यहाँ से अगर मैं इस पूरी के पूरी उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया, तो देखें उसने मुझे रिज़ल्ट गलत दिया है, क्योंकि मेरे पास इतने सेल तो ब्लैंक नहीं है। मेरे पास 477 रोज़ हैं जिसके अंदर से कुछ डेटा जो है वो खाली है और कुछ नहीं है। तो जब इस जरिए से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को गिनते हैं, मतलब के ब्लैंक को काउंट करते हैं, तो वो गलती हो जाती है। अगर तो आपको उसका मतलब के मालूम है कि कितना डेटा, लाइक जैसे मुझे मालूम है, मैं यहाँ से उसको ओपन करता हूँ, मैंने कहा H2 से लेके H47 477 तक डेटा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ से इंटर किया, तो अब इसने मुझे बता दिया कि टोटल 129 जो हैं ऐसे सेल्स हैं जो ब्लैंक है, ठीक
ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी काम को अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, मैंने इसी डेटा को टेबल के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे इनको गिनता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने कहा काउंट ब्लैंक, तो यहाँ पे गिनने के लिए मेरे पास क्या चीज़ है? जैसे मैंने कहा काउंट ब्लैंक, मैंने कहा टी, तो देखें इसने मुझे दिखाया कि यहाँ पे टेबल वन मौजूद है। क्या आप इसमें से देखना चाह रहे हैं? मैंने टेबल वन को डबल क्लिक कर दिया। उसके बाद क्या है कि मैंने यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट की, सही है, ब्रैकेट स्टार्ट की। अब मैंने इसको बताना है कि मुझे कौन से वाले सेल को करना है। तो इसमें देखें ये है मेडिकल बेनिफिट, इसको मैंने क्लिक किया। अब मैं क्या करूँगा, ये ब्रैकेट क्लोज करूँगा, तो उसने वो सारा का सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया, और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ। तो देखें इस तरीके से भी आप ब्लैंक्स को काउंट कर सकते हैं। अगर आपके पास टेबल है तो टेबल को इस तरीके से काउंट करेंगे, अगर टेबल नहीं है तो जो मैंने पहले आपको तरीका बताया था उसके ज़रिए आप काउंट करेंगे। अच्छा, एक फंक्शन है एवरेज का, सही है, उसको देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है। लाइक मैंने ये स्मॉल वैल्यूज ही लिखी हैं, 2 2 2 2। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको कहता हूँ 2 और 2, ये टोटल बनता है 4, तो 4 का एवरेज होना चाहिए 2। अगर मैं यहाँ से कहता हूँ एवरेज, ठीक है, और ये वाली रेंज सेलेक्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो इसने मुझे 2 नहीं दिया, सही है। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसने एक जगह मैंने लिखा हुआ था 0, तो इसने इसको काउंट किया कि ये 3 लोग हैं, ठीक है। तो उसने 3 की एवरेज के हिसाब से मुझे निकाल के बताया कि इतना अमाउंट बनता है। इसी अगर फंक्शन को मैं बराबर में कॉपी करता हूँ तो देखें ये बिल्कुल मुझे ठीक दे रहा है, क्योंकि ये मैंने जो डेटा है इसके अंदर ये ब्लैंक जगह थी, ब्लैंक को ऑटोमेटिक एवरेज का फंक्शन खुद ही डिनाई कर देता है, मतलब उसको काउंट ही नहीं करता। तो सम टाइम पे अगर आप एवरेज ले रहे हो और वो एवरेज गलत आ रही हो तो देख लीजिएगा कि कहीं पे ऐसी वैल्यू होगी जहाँ पे आपने 0 लिखा हुआ होगा। अच्छा जी, एक्सेल के अंदर एक फंक्शन है आउटलाइन का, वो बताने के लिए मैंने यहाँ पे एक शीट बनाई हुई है जिसके अंदर मैं आपको सारी की सारी उसकी डिटेल समझा दूंगा किस तरीके से। अब मिसाल के तौर पे जब आपने प्रेजेंटेशन देनी होती है किसी भी चीज़ की, तो आप चाहते हैं कि डेटा मिनिमम प्रेजेंटेशन के ऊपर आए और बाकी चीज़ें हाइड हों। लाइक मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, क्वार्टर्स को मैं कहता हूँ कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया और हाइड कर दिया इसको, ठीक है। तो आप देखें डेटा काम हो गया। फिर आपने मज़ीद अगर डेटा काम करना है तो इस तरीके से आप इसको मज़ीद हाइड कर देते हैं। लाइक रोज़ को हाइड करना चाहूँ तो मैं इस तरीके से इनको हाइड कर सकता हूँ, ठीक हो गया। तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ और सारी इसकी सारों को दोबारा से अनहाइड करता हूँ। एक तो ये तरीका है कि आप इस तरीके से इन सारों को हाइड करें। एक तरीका ये है हमारे पास कि यहाँ पे डेटा के टैब के ऊपर, ठीक है, ये मेरा डेटा है, यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन होता है ग्रुप का। अगर मैं इस ग्रुप को खोलता हूँ, यहाँ पे देखें ऑटो आउटलाइन है, इसको जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखें ये आउटलाइंस मेरे सामने आ गई। अब अगर मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ लाइक वन को, जैसे मैंने वन को प्रेस किया तो देखें वो सारा का सारा डेटा कोलैप्स हो गया, और अगर टू को प्रेस करता हूँ तो वो एक्सपेंड हो गया। ये उसने ऑटोमेटिक खुद से जज किया है कौन सी चीज़ किसके बिहाफ के ऊपर, कहाँ कहीं जहाँ ये नीचे जो सम का फंक्शन लगा है उसके बिहाफ पे। इसी तरीके से लाइक मैं दोबारा अगर वन को क्लिक करता हूँ ये हो गया, और फिर अगर मैं यहाँ से वन को क्लिक करता हूँ तो ये देखें डेटा मेरे पास बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो गया। अब अगर आपको कोई कहता है कि भाई मुझे सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर का बताओ कि आपके पास क्या है, तो लाइक आप यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हैं। वो फिर आपको कहता है कि मुझे इसकी मज़ीद डिटेल दो, तो यहाँ से आप इसको क्लैप्स कर सकते हैं। अगर आप इसको हाइड एंड हाइड करेंगे तो उसमें आपके पास ज़्यादा मेहनत होगी और इसको आप बेहतर तरीके से भी प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। एक यहाँ पे शॉर्टकट ये है कि कंट्रोल के साथ अगर आप 8 का बटन दबाते हैं तो वो आपके पास जो सिंबल्स हैं आउटलाइन के वो हट जाते हैं, कंट्रोल के साथ 8 दबाएंगे तो वो दोबारा से आपको अपीयर हो जाए। अगर आपने यहाँ से इन आउटलाइंस को ख़त्म करना है, ठीक हो गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ ग्रुप पे आएंगे और यहाँ से कह देंगे अनग्रुप पे आएंगे और क्लियर आउटलाइन को क्लिक कर देंगे, तो वो सारी की सारी आउटलाइन क्लियर हो जाएगी। अब इसी फंक्शन का मैं आपको एक बेस्ट यूज़ बताता हूँ। बेस्ट यूज़ क्या है, आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको, वो यहाँ पे एम्प्लाई वाले फोल्डर के ऊपर, ठीक है, एम्प्लाई वाली शीट पे आया। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास ये सैलरीज है,
अब मुझे कहा जाता है कि ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट का सब टोटल जो है मुझे चाहिए, ठीक है। तो अब हर डिपार्टमेंट का सब टोटल क्या मैं मैन्युअली करूँगा? तो मैन्युअली करने के बजाय मैंने इसको यहाँ क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अब ये सारा का सारा डेटा मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा सब टोटल के ऊपर। जैसे मैं सब टोटल पे आया, मैंने कहा कि यहाँ से सिलेक्ट किया डिपार्टमेंट के लिहाज से, ये कॉलम मैंने हटा दिया। मैंने कहा सैलरीज वाला जो कॉलम है उसको आपने क्या करना है, टोटल करना है। फिर मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ। तो अब देखूँ मैं अगर नीचे आता हूँ तो ये देखें, ये अकाउंटिंग टोटल है। और यहाँ पे मैं आता हूँ तो इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ, तो देखें मुझे अकाउंटिंग का टोटल नज़र आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ से इस वन को प्रेस करता हूँ तो ये सारे का सारा कोलैप्स हो गया, ठीक है। टू को प्रेस करा किया तो एक्सपेंड हो गया मेरे पास। अब मेरे पास ये सारे के सारे डिपार्टमेंट आ गए। और अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इस तरफ लेके जाऊँ तो आपको यहाँ पे इनके सम नज़र आ रहे हैं। अगर मैं थ्री को प्रेस करता हूँ तो ये मज़ीद एक्सपेंड हो गया। अब लाइक मैं यहाँ से टू को एक्सपेंड करता हूँ। अब आपको कोई कहता है कि अकाउंटिंग के अंदर कितने लोग हैं या क्या हैं वो मुझे बताएं, तो आपने यहाँ से इसको क्लिक कर दिया, ये अकाउंटिंग वालों का डेटा आ गया, ठीक है। इसी तरीके से इसको मैं दोबारा से प्रेस करता हूँ, टू को क्लैप्स हो गया। अब आपसे कोई कहता है सेल्स वालों का मुझे डेटा दिखाओ, तो आप यहाँ से क्लिक करते हैं और ये डेटा आपको सारा का सारा शो हो जाता है। तो ये बेस्ट तरीका है किसी भी वर्क को करने का, ठीक है। बजाय इसके कि आप हाइड करें या अनहाइड करें, इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कैसे हैं, मल्टीपल इस काम को करके आप देखिएगा। तो मैं यहाँ से ग्रुप पे आता हूँ और यहाँ से क्लियर आउटलाइन को करता हूँ, सारी आउटलाइन क्लियर कर दी। अब एक ऑप्शन है जो अक्सर लोग गलती करते हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ वो क्या है। अगर मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कोई लाइंस नहीं आ रही। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि मैन्युअली उसको लाइंस देते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और इन होम टैब पे आके और यहाँ से उसको ये बॉर्डर्स दे देते हैं। तो बॉर्डर्स देने की वजह एक आसान तरीका है कि आप कंट्रोल पी करें, पेज सेटअप पे जाएं और यहाँ पे शीट के अंदर ऑप्शन है ग्रिड लाइन का। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, ओके करता हूँ, तो देखें ये ऑटोमेटिक ग्रिड लाइन आ गई। अब आपको वो सारे का सारा डेटा सेलेक्ट करके उसमें ग्रिड लाइन देने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक हो गया, आज के लिए इतनी रखते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।